नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है, जानिए रहस्य। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहां कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज़्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहेंगे कि बैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ में बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति तीन जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठ कहा जाता है। पहला बैकुंठ धाम। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ, नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 500 रूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है, जो श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ धाम कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरे बैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से और बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्य के साथ प्रविष्ट होती है। वहाँ से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्री देवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त
पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती हैं। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब इस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, महा के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों, अतल, सूतल, पाताल आदि के देवता, सभी 33 करोड़ देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या वैकुंठ जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है उसको ये सभी एक बाद विभूति के अंतिम सीमा तक ले जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। एक बाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग व्यवस्थित है। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है किसी वैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है जो वैकुंठ लोक है। मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़ कर जाते हैं तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार से पार्षदगण उसको श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। हे अर्जुन, अव्यक्त अक्सर इस नाम से कहा है, उसी अक्सर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। गीता के अध्याय 8 श्लोक 21 में यह बताया गया है। तीसरा वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। इस कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां धीरज दूसरा सिरा है। वैकुंठ और परम धाम में अंतर। परम धाम कहते हैं परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न दुख है न सुख है, यहाँ बस परम आनंद ही आनंद है। वैकुंठ धाम। मान्यता है इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु धाम को
वैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने चारों धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी वैकुंठ कहा जाता है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में बताया गया है, ये अर्जुन, ब्रह्म लोक सहित सभी लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में बताया गया है। हरे प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।